तस्वीर है सुरेश ढाका के अधिकम कोचिंग सेंटर वाली बिल्डिंग की, दूसरी तस्वीर है भूपेंद्र सारण के घर की। ये दोनों ही आरपीएससी पेपर लीक के आरोपी हैं, जिन पर हाल ही में गहलोत सरकार का बुलडोजर चला है। फिलहाल दोनों ही आरोपी फरार हैं, पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। कहा जा रहा है कि दोनों ही आजकल थाईलैंड में हैं। पुलिस की तलाश के दोनों आरोपियों पर बुलडोजर चलने के साथ ही अब जेडीए ने नया फरमान जारी कर दिया है, जिसमें सारण के साथ ही कोचिंग सेंटर वाली बिल्डिंग के मालिक को लाखों का हर्जाना जमा करना पड़ेगा। दरअसल 9 जनवरी को जेडीए ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका के कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिगम पर कार्रवाई की थी। जिस बिल्डिंग में कोचिंग संचालित थी उसे गिरा दिया गया था। कहा गया ये बिल्डिंग बिना जेडीए की अनुमति के आवासीय भूखंड पर बनी थी। इसके बाद जेडीए ने 13 जनवरी को भूपेंद्र सारण के अजमेर रोड रजनी बिहार स्थित मकान को तोड़ने की कार्रवाई की थी। जेडीए ने अपनी इस कार्रवाई के बाद अब भूपेंद्र सारण को एक और नोटिस थमाया है। सारण के साथ ही जेडीए ने जिस बिल्डिंग के अधिगम कोचिंग सेंटर चल रहा था उस भवन के मालिक अनिल अग्रवाल को भी नोटिस भेजा है। दोनों को करीब 28 लाख रुपए का बिल थमाया गया है। दोनों से बिल्डिंग तोड़ने में हुए खर्च की राशि देने के लिए कहा गया है। खर्च की राशि 7 दिन में जमा करवानी होगी। पैसे जमा नहीं करवाने पर जेडीए ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि जेडीए की ओर से जारी नोटिस में सारण के अजमेर रोड रजनी बिहार स्थित घर का अवैध हिस्सा तोड़ने, उसका मलबा हटवाने की कार्रवाई में करीब 3 दिन लगे, जिसमें तमाम लेबर, मशीनरी और जाप्तों में तैनात तमाम अधिकारी कर्मचारियों के वेतनमान को जोड़कर 19,11,355 रुपए का खर्चा आया, जिसका पूरे खर्चे की वसूली के लिए भूपेंद्र सारण और उसके भाई गोपाल सारण के नाम नोटिस जारी किया है। वहीं कोचिंग सेंटर पर चले बुलडोजर के खर्च की वसूली के लिए बिल्डिंग के मालिक अनिल अग्रवाल को नोटिस थमाया गया है। जेडीए ने नोटिस में करीब 9,23,905 रुपए का खर्च बताया है। इसका बिल बनाकर जेडीए ने अग्रवाल को भिजवाया है। आरपीएससी पेपर लीक के साथ ही भूपेंद्र सारण कई और पेपर लीक में भी शामिल थे और उसके लिए भी जेल जा चुके हैं। अभी सारण और उसका साथी फरार है। कहा जा रहा है कि दोनों थाईलैंड में है। वहीं पुलिस ने जयपुर से भूपेंद्र सारण की गर्लफ्रेंड और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।